नमस्कार जय जोहर, मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि सृष्टि के शिल्पकार भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आज जयंती है। रायपुर में यहां पे पढ़ाई पारा से एक भव्य यात्रा निकलती है कि जो पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद में यहीं पर इसका समापन होता है और बहुत धूमधाम से ये विश्वकर्मा भगवान की जो जयंती मनाई जाती है। मेरे साथ में प्रफुल्ल विश्वकर्मा जो है नगर निगम के सभापति है, इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं और विश्वकर्मा समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। प्रफुल्ल भाई, किस तरीके का अपना जयंती का आयोजन होता था और भगवान जो विश्वकर्मा जी हैं उनकी क्या जयंती की में क्या खासियत होती है? देखिए, 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती को हम लोग विश्वकर्मा पूजा महोत्सव के रूप में मनाते हैं और बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं और परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश में तरक्की हो, प्रदेश का विकास बड़े तेजी से हो। जिस प्रकार देख रहे हैं आप प्रदेश में जो विकास हो रहा है, आप अगर अतीत में जाएंगे तो भगवान विश्वकर्मा जी द्वापर युग में द्वारका का निर्माण उन्होंने किया था, लंका का निर्माण उन्होंने किया था, बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है उसको हमारे विश्वकर्मा जी ने निर्माण किए थे। ऐसे अनेक निर्माण जो आज भी देश दुनिया में देखने को मिलता है, बड़े आश्चर्य से देखते हैं। इतनी इतनी सुंदर कलाकृति, इतना सुंदर स्वरूप भगवान विश्वकर्मा की है और भगवान विश्वकर्मा की देन है, जिसको कहा जाता है कि सृष्टि के रचिता है और निर्माण कार्यों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। भगवान, अनेक भगवान को जब रक्षण गणों से सामना करने की आवश्यकता पड़ी तो उनके लिए जो शस्त्र बना करके उन्होंने दिया, भगवान विश्वकर्मा ने उनको ऐसा शस्त्र बना करके दिया जिससे असुरों का नाश हुआ और भगवान विश्वकर्मा ने कभी भी अपने लिए किसी भी चीज़ों का उपयोग नहीं करी, वो सारा उपयोग जन कल्याण के लिए किए हैं, राष्ट्र कल्याण के लिए किए हैं, समाज के कल्याण के लिए किए हैं, जनहित में किए हैं। इसलिए आज हम भगवान विश्वकर्मा की जयंती को पूजा महोत्सव के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और देश दुनिया का वह समस्त कार्य जो स्वतः करते हैं वो विश्वकर्मा है और ये सारे विश्वकर्मा लोग आज जो श्रम को पूजा मानते हैं, श्रम ही पूजा है मानने वाले लोग आज भगवान की पूजा अर्चना करके भव्य बड़े धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की हम सब शोभा यात्रा निकालते हैं, शामिल होते हैं और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। भगवान विश्वकर्मा की जय। भगवान विश्वकर्मा की जय।